.NET Core MVC सीरीज में खुश आमदीद। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हम इस कोर्स में या इस टॉपिक सीरीज में कौन से टॉपिक जो है ना वो कवर करने जा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं अपना MVC कोर में। तो मैंने Visual Studio 2022 यूज़ कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि पिंड हैं, टुडे, दिस वीक, ये सारी ओवरऑल हिस्ट्री आ रही है। और नेक्स्ट जो राइट साइड पे है गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लोनर रिपोजिटरी, अगर मेरे पास कोई गिटअप पे कोई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है और उसको मैंने यहाँ पे क्लोन करना है तो उसके लिए जो ना ये क्लोनर रिपोजिटरी को यूज़ कर सकते हैं आप। इस तरह आपके पास कोई सोल्यूशन है, प्रोजेक्ट है और उसका सोल्यूशन ओपन करना चाहते हैं, यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लोकल फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई यहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं करना चाहते, ओपन नहीं करना चाहते तो कंटिन्यू विदाउट कोड पे क्लिक करेंगे तो सिंपली जो ना विजुअल स्टूडियो आपके पास ओपन हो जाएगा। तो चलते हैं अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट का टेम्पलेट टाइटल आ गया, मेरे जो यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं। और अभी जो है हम ब्लैंक सोल्यूशन ऐड करेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम इसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं क्रिएट एन एम्प्टी सॉल्यूशन कंटेनिंग नो प्रोजेक्ट, तो अभी ये इसके अंदर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ ASP.NET Core MVC, सोल्यूशन का नेम रखा मैंने और यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने इसके क्रिएट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये एक ब्लैंक सोल्यूशन आ गया है और जिसमें सोल्यूशन ASP Core MVC 0 प्रोजेक्ट्स। तो इसके ऊपर राइट क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया, न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ से मैंने क्योंकि MVC का प्रोजेक्ट ऐड करना है तो यहाँ से मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ C#, और MVC मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो देखें यहाँ पे ये ASP.NET Core वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो ये जो एप्लीकेशन बनेगी ये C#, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, क्लाउड सर्विसेज सब पे ये जो है ना ये चलेगी। और इसी तरह ये है कि आपने जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाना तो ये ख़ास ख्याल रखना है कि आप जो C# में काम करें F# में, ये देखें नीचे F# आ रहा है, मैंने C# में बनाना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया मैंने और मैंने इसका नाम रख दिया, इसको मैंने कॉपी किया, सॉल्यूशन नेम डॉट वेब UI इसका नाम रख दिया। और ये प्रोजेक्ट जो है अभी जो है इसका मैं .NET 7 सेलेक्ट करता हूँ और ऑथेंटिकेशन टाइप नो यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम इसमें खुद अपनी मर्जी से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS। और ये आप जो है ना जब आप करेंगे टिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि SSL जो है ना आपके पास अनेबल है। तो SSL को हम जो है ना ब्रीफली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। तो जैसे मैंने क्रिएट पर क्लिक किया तो ये अब जो है ना हमारे सोल्यूशन में एक प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सोल्यूशन ASP Core MVC 1 प्रोजेक्ट, तो जिसका नाम है ASP Core MVC.WebUI। तो वीडियो देखने का शुक्रिया और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं।